Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 10, The Woodcutter and the Angel. So in our first part we read the chapter. हमने chapter को read किया और क्या किया हमने? Chapter को read करने के साथ साथ हमने उसकी जो activity थी, question answer थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे. तो फर्स्ट एक्टिविटी हमने कर ली. अब यहाँ है हमारे पास एक्टिविटी नंबर सेकंड. सो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन करेक्ट है उसके साथ में हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. तो सबसे फर्स्ट आप मुझे ये बताइए कि आपने चैप्टर को वापस से रीड किया? यस. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड अब आपने हमने उसमें क्या सीखा था कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम हमें नहीं करना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द वुड कटर डू टू अर्न इन लिविंग. व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या डिड द वुड कटर डू. डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स क्या होता है, करना. तो वुड कटर क्या करता था, टू अर्न, अर्न मीन्स कमाने के लिए, हिज लिविंग, वो जीवित रहने के लिए क्या करता था, वो क्या मतलब उसका जो बिजनेस था वो क्या बिजनेस था, वो क्या काम करता था. सो ए है हमारा, सोल्ड वुड फॉर ऑफ ओल्ड ट्रीज, जो पुराने जो ट्रीज हो जाते थे उनकी जो वुड थी उसको बेचता था. सोल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल, सेल मीन्स बेचना एंड सोल्ड इज द सेकेंड फॉर्म. सोल्ड एक्सेस, वो कुल्हाड़ियाँ बेचता था. सी है डग आउट ट्रेजर्स, डग मीन्स खोदना, ट्रेजर्स मीन्स खजाना, खजाना के लिए खोदता था वो. नो, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज क्या करता था, वो तो वुड को सेल करता था, मीन्स वो लकड़ियां बेचता था. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सोल्ड वुड ऑफ ओल्ड ट्रीज, वो पुराने पेड़ों की लकड़ियां बेचता था. क्वेश्चन नंबर टू, Why was the woodcutter sad? जो woodcutter था वो दुखी क्यों था? Option A, he did not find any old tree, क्योंकि उसे कोई भी पुराना tree नहीं मिला था. Option B, his axe fell into the river, क्योंकि उसका जो axe था वो river के अंदर गिर गया था. Option C, he did not like his job, क्योंकि उसे अपना काम पसंद नहीं था. तो वो क्यों दुखी था, क्योंकि उसका जो एक्स था वो रिवर के अंदर गिर गया था. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसका जो एक्स था वो रिवर के अंदर गिर चुका था. नाउ नंबर थ्री, हु हेल्प द वुड कटर टू गेट बैक हिज एक्स. हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, हेल्प, किसने हेल्प किया था द वुड कटर, वुड कटर की, टू गेट बैक हिज एक्स, उसकी एक्स वापस लेने के लिए किसने हेल्प किया था. ऑप्शन ए, अ मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी. ऑप्शन बी, द रिवर गॉड, जो नदी के जो देवता होते हैं उन्होंने हेल्प किया था. ऑप्शन सी, एन एंजल, एक एंजल ने हेल्प किया था. सो किसने हेल्प किया था, वेरी गुड, एन एंजल, एक एंजल ने उनकी हेल्प किया था. नंबर फोर, Which axe did the angel get from the river first? Which means कौन सी axe लाया था? Did the angel get from the river first? सबसे पहले river में से जो angel थी वो कौन सी axe लेकर आई थी? Option A, golden. Option B, silver. Option C, iron. तो सबसे first वो कौन सी लाई थी? वेरी गुड, गोल्डन एक्स लेकर आई थी. वो सबसे पहले जब रिवर के अंदर जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो कौन सी एक्स लेकर आती है, गोल्डन एक्स लेकर आती है. नाउ एक्टिविटी नंबर थ्री, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. हमें टी और एफ लिखना है ट्रू और फॉल्स के लिए. ट्रू मीन्स सत्य, ये एक दूसरे के लिए क्या अपोजिट वर्ड भी है, असत्य. सत्य और असत्य एक दूसरे के लिए क्या ऑपोजिट वर्ड्स भी है. नंबर वन, द वुड कटर्स फैमिली हैड नॉट ईटन वेल फॉर डेज. जो वुड कटर था उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था,
हैड नॉट ईटन, उन्होंने नहीं खाया था वेल अच्छे से फॉर डेज, बहुत दिनों से उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया था. यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सच में उन लोगों ने खाना नहीं खाया था. सो हियर वी राइट टी और एफ, वेरी गुड, हियर वी राइट टी. नेक्स्ट नंबर टू, द वुड कटर हैड मनी टू बाय अनदर एक्स. सो जो वुड कटर था हैड मनी, उसके पास मनी थी टू बाय, खरीदने के लिए अनदर एक्स, दूसरी एक्स खरीदने के लिए वुड कटर के पास पैसा था नहीं. वुड कटर के पास तो पैसा था ही नहीं दूसरी एक्स खरीदने के लिए. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो हियर वी राइट एफ और टी, एफ, वेरी गुड. नंबर थ्री, द वुड कटर न्यू, वुड कटर जानता था हाउ टू स्विम, कैसे तैरते, जो वुड कटर था क्या वो जानता था कि तैरते कैसे है, नहीं वो तैरना नहीं जानता था. सो हियर वी राइट टी और एफ, वेरी गुड एफ, बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो तो जानता ही नहीं था. और ये सेंटेंस बोल रहा है कि वुड कटर जानता था कि कैसे तैरते. नंबर फोर, द एंजल गेव ओनली एन आयरन एक्स टू द वुड कटर. द एंजल गेव, गेव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव. द एंजल गेव ओनली एन आयरन एक्स, सिर्फ एक आयरन की जो एक्स थी वही उसे दिया था टू द वुड कटर. वुड कटर को सिर्फ उसने आयरन की एक्स दी थी, नहीं उसने तो गोल्डन सिल्वर एक्स भी उसे दे दी थी, थ्री एक्स दी थी. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो हियर वी राइट एफ फॉर दिस. नंबर फाइव, द वुड कटर थैंक्ड द एंजल. जो वुड कटर था उसने एंजल को थैंक्स बोला था, यस, बिकॉज उसने उसकी क्या किया था, हेल्प किया था. सो द वुड कटर थैंक द एंजल, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो हियर वी राइट टी. So here we complete our activity first, second and also third. Let's go to our next. So here spell it right. So हमें यार right spelling लिखनी है. अब कैसे लिखनी है, क्या करना है, let's see. A, fill in the blanks. Blanks में हमको fill करना है with words from the story. अब हमको कुछ यहाँ पे letters missing है, नीचे कुछ spellings लिखी हुई है, कुछ words लिखे हुए हैं, उसके जो कुछ letters है वो क्या है, missing है. अब हमको क्या करना है, उन missing letters को लिखना है और words बनाने हैं. और जो words है वो कहाँ से लिए गए हैं, story में से लिए गए हैं. Okay? So first जो है वो word हमारा किससे start हो रहा है, H से. किससे start हो रहा है, H से. So H blank double P blank. So what we fill in these two blanks? We make the spelling of happy. So H A double P Y happy. Next blank double P blank blank R blank D. So we, which letters we fill in this? We make the word appeared. So A double P E A R E D appeared. Next word number three. So E X blank L blank I M blank D. So which letters we fill in these blanks? We fill the letters and the, we make the word exclaimed. So E X C L A I M E D exclaimed. Next number four. W blank PT. We see these all words and know these words, these three words. So W blank PT. Very good. It's wept. W E P T. Wept. Wept means rone laga. Happy means
खुश, appeared means प्रकट होना, exclaimed means कहना, and wept means रोने लगा. So here we fill all the blanks and complete all the words. You have to learn the spelling of all these words. Okay. Next, vocabulary time. So A, write one word for each of the following. So here we have some sentences and we have to write these sentences into one word. How to describe these sentences into one word? So first है हमारे पास to think means सोचना, carefully, ध्यानपूर्वक, about means के बारे में, different choices, अलग अलग हमारे पास कुछ choices है, उनके बारे में हम ध्यान से सोच रहे हैं, and choose one of them. Now let's take an example. आपके पास one, टू, थ्री. एक फर्स्ट है आपके पास आइसक्रीम, सेकंड है आपके पास पिज़्ज़ा, एंड थर्ड आपके पास है चॉकलेट. अब आपको क्या करना है, इन थ्री में से एक को चूज करना है. आप इसके लिए एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, यू हैव टू डिसाइड. वेरी गुड. सो इस पूरी लाइन के लिए, इस पूरे सेंटेंस के लिए हम एक वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, डिसाइड. आपको क्या करना है, डिसाइड करना है थ्री में से. आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप सोचो कि आप इन तीन में से किस एक को आप खाना पसंद करेंगे. इतना बड़ा लेटर, इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की जगह मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना है, इसमें से डिसाइड करना है. यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है. सो हियर वी राइट डिसाइड, टी ई सी आई टी ई, डिसाइड. डिसाइड मीन्स निर्णय लेना. डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना, किसी भी चीज का निर्णय लेना. बी, टू सेंड आउट एयर फ्रॉम माउथ. माउथ से सेंड मीन्स भेजना, आउट मीन्स बाहर, एयर, एयर को बाहर भेजना, फ्रॉम माउथ, माउथ से एयर को बाहर की तरफ फेंकना, इज कॉल्ड ब्लो, फूंक मारना. बी एल ओ डब्ल्यू, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं फूंक मारना. नेक्स्ट सी, समथिंग दैट मेक्स यू लाफ. कोई ऐसी चीज जो आपको हंसने पे मजबूर कर देती है. समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, ऐसी चीज जो आपको हंसने पे मजबूर कर देती है, वो क्या होती है, फनी. क्या होती है, फनी, मजाकिया, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मजाकिया. नेक्स्ट, टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करना. टू बिगिन मीन्स स्टार्ट, शुरू करना समथिंग, इसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट, शुरू करना, शुरुआत करना, शुरुआत करना. टू कम फर्स्ट इन अ गेम, किसी भी गेम में फर्स्ट आना. आप अगर आपके क्लास में फर्स्ट आते हो या आप कोई गेम खेल रहे हो, आप फर्स्ट आ गए, दैट मीन्स आप क्या हो गए, विन, जीतना, डब्ल्यू आई एन, विन. विन मीन्स क्या होता है, जीतना, किसी भी चीज को जीतना. सो हियर वी लर्न अबाउट फाइव वन वर्ड्स. क्या पढ़ा हमने, वन वर्ड. वन वर्ड क्या होते हैं, किसी सेंटेंस को हम अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे, वो होते हैं वन वर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ग्रामर. सो ग्रामर जोन है अब हमारे पास. तो अब हम जो इस ग्रामर के अंदर आज क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब. एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं विशेष्य. क्या बोलते हैं, विशेष्य. अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसकी विशेषता बताते हैं, वर्ब की जो क्वालिफिकेशन बताते, क्वालिफाइड बताते हैं. जो वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया, जिस काम को हम करते हैं. जस्ट लाइक रोना, वीप. अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि वह रो रहा है, ओके, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया. वह बहुत तेज रो रहा है, वह बहुत तेज रो रहा है, तो जो तीज है वो क्या है, रोना. इस वर्ब की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है. ओके,
सो जब हमें किसी वर्ब की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, तो वो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेष्य। इंग्लिश में उसे बोला जाता है एडवर्ब। जो एडवर्ब जो वर्ड होते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं दीज वर्ड्स टेल अस, हमें बताते हैं मोर अबाउट, और ज़्यादा अबाउट के बारे में, अ वर्ब वर्ब के बारे में और ज़्यादा बताते हैं। जस्ट लाइक आई रन, ही रन, वह दौड़ता है, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट है वो क्या है, इस रन, इस वर्ब की बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है इस वर्ब को, तो इसलिए जो ये फास्ट है वो क्या है, एक एडवर्ब है। और हाउ एन एक्शन इज डन, कैसे वो काम हुआ है, वो चीज़ वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे सीता सिंग्स लाउडली, सिंग्स मीन्स क्या होता है, गाना, लाउडली मीन्स बहुत तेज, जो सीता है वह बहुत तेज गाना गाती है। तो यहाँ जो लाउडली है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। राम ईट्स, ईट्स मीन्स क्या हो गया, खाना, ये एक वर्ब हो गई, खाना क्या हो गया, एक वर्ब, स्लोली, बहुत धीरे खाना खाता है, राम बहुत धीरे खाना खाता है। तो स्लोली यहाँ एडवर्ब क्या हो गई, स्लोली, क्यों, वो ईट, ईट मतलब खाने की वो विशेषता बता रहा है। द वर्ड लाउडली, जो वर्ड है लाउडली मीन्स बहुत तेज, टेल्स अस, हमें बता रहे हैं हाउ सीता सिंह, कि सीता कैसे गाना गाती है, कैसे गाती है, वो हमें कौन बता रहा है, जो लाउडली जो वर्ड लिखा हमने वो हमें बता रहा है कि सीता कैसे गाती है। द वर्ड स्लोली, जो स्लोली जो वर्ड है, टेल्स अस, वो हमें बता रहा है हाउ मीन्स कैसे, राम ईट्स, कि राम कैसे खाता है। तो जो वर्ब के बारे में हमें डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन देता है, जो वर्ब के बारे में बताता है उसे बोला जाता है एडवर्ब। क्या बोला जाता है, एडवर्ब। हिंदी में अगर हम, मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। ओके, जो वर्ब के बारे में हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। We usually add, हम normally क्या add करते हैं, ly, क्या add करेंगे, ly, to describing, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, words, to form adverbs, adverbs को बनाने के लिए हम उसमें क्या add कर देंगे, ly, example, kind, kind के साथ हमने add कर दिया, kindly, for describing word, ending with y, वी रिप्लेस वाई विथ आई एल वाई। अगर किसी वर्ब, किसी चीज़ के पीछे, किसी वर्ड के पीछे वाई है लास्ट में, जस्ट लाइक हैप्पी, अब इसके पीछे वाई है, इसको हम एल वाई ऐड करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इस वाई को क्या, किससे रिप्लेस कर देंगे, आई से। सो एच ए डबल पी, वाई को हम हटाया, आई ऐड किया, और पीछे तो हमको एल वाई लिखना ही है, तो ये बन गया हमारा हैप्पीली। अब हमको क्या करना है, एड एल वाई टू द वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर हमको एल वाई ऐड करना है इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, साइलेंट, स्लो, नीट, क्वाइट, ब्रेव, इन वर्ड के साथ हमको क्या ऐड करना है, एल वाई को ऐड करना है, एंड राइट, और लिखना है दैम, उनको इन ब्लैंक्स, खाली जगह में उनको लिखना है। ए क्या कह रहा है, द बॉयज प्रे, बॉयज प्रे कर रहे हैं, ब्लैंक, तो साइलेंट, साइलेंटली, सो एस आई एल ई एन टी एल वाई, साइलेंटली, जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्रे करना मीन्स भगवान से, भगवान की आराधना करना, साइलेंटली मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे प्रे कर रहे हैं। बी अ स्नेल मूव्ड, एक जो स्नेल है वो मूव्ड हो रही है, हिल रही है, स्लो, स्लो मीन्स धीरे, स्लोली, धीरे धीरे मूव हो रही है। नेक्स्ट, शी डिड हर वर्क, वह अपना वर्क करती है, नीट, नीट मीन्स साफ सुथरा, नीटली, नीटली,
नीटली, मतलब वो एकदम साफ सुथरा अपना वर्क करती है। नेक्स्ट डी, द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेलते हैं, ब्लैंक क्वाइट चुपचाप, जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, चुपचाप खेल रहे थे, सो हियर वी राइट क्वाइटली, क्वाइटली। नेक्स्ट ई, द सोल्जर एंटर्ड, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, एंटर्स मीन्स प्रवेश, एंटर्ड प्रवेश किया, द एनिमीज हाउस, एनिमी के मतलब दुश्मन के घर में उन्होंने प्रवेश किया, ब्रेव बहादुरी से, कैसे प्रवेश किया, एंटर्ड प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। सो हियर वी एड ऑल दिस वर्ड विथ एल वाई, हमने इन सब वर्ड्स के साथ क्या ऐड कर दिया, एल वाई को एड कर दिया। नाउ सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एल वाई वर्ड और एडवर्ब। यहाँ हमको जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके साथ ब्रैकेट में हमको टू ऑप्शंस मिल रहे हैं, अब इन दोनों ऑप्शन में से हमको क्या करना है, एक को डिसाइड करना है, एक वर्ड का निर्णय लेना है कि कौन सा वर्ड वहां पे ब्लैंक में आता है। सो ए क्या कह रहा है, द सन शोन, जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ब्राइटली मीन्स बहुत चमकदार, एंड केयरफुली ध्यानपूर्वक, तो जो सन होता है वो कैसा दिखाई दे रहा है, जो सन कैसा होता है वो ध्यान से देखता है क्या हमको, नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, चमकीला होता है, सो द सन शोन ब्राइटली। नेक्स्ट बी, द बॉयज चीयर्ड, जो बॉयज है वो चीयर कर रहे हैं, चीयर करना मीन्स क्या होता है, किसी भी इंसान को उत्साहित करना, किसी भी इंसान को प्रेरित करना, चीयर्ड, तो जो बॉय होते हैं वो चीयर करते हैं, अब चीयर हम करेंगे किसी को भी, हम उसको या तो किसी को बर्थडे विश करना, बहुत तेज से किसी को साथ में मिलकर किसी को प्रोत्साहित करना, तो वो जेंटली करेंगे, आराम से करेंगे, या लाउडली बहुत तेज से करेंगे, वेरी गुड, इट्स लाउडली। आप भी अपने फ्रेंड्स जब बहुत सारे मिल जाते हो, जब आप गेम्स खेलते हो, कोई विन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चीयर करते हैं, राइट। नेक्स्ट सी, द बर्ड सेंग, सेंग मीन्स गाना, इज सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग, द बर्ड सेंग, जो बर्ड्स है वो गाती है, क्विकली जल्दी से, स्वीटली बहुत अच्छा सा, तो जो बर्ड्स कैसा गाती है, स्वीटली, वेरी गुड, इट्स स्वीटली, बहुत मीठा गाती है बर्ड्स, शी राइट्स, वह लिखती है, नीटली साफ सुथरा, काइंडली दयालुता से, अब लिखने में कैसा काइंड है, लिखना तो नीटली, वो एकदम साफ सुथरा लिखती है, सो शी राइट नीटली, वो बहुत प्यारा लिखती है। ई, इट रेन्ड, बारिश हो रही थी, हैप्पीली खुशी से, हैवीली बहुत तेज, तो बारिश खुशी से होती है या बहुत तेज हो सकती है, वेरी गुड, हैवीली बहुत तेज बारिश हो रही है, इट रेन्ड हैवीली बहुत तेज बारिश हो रही है। सो हियर वी कंप्लीट अवर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्टिविटी विद अवर ग्रामर जोन ऑफ एडवर्ब, सो यू हैव टू रिपीट द एक्टिविटी एंड यू हैव टू फिल योर वर्कशीट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, एंड सर्कल योर स्किल्स, नाउ लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड, अब मैं आपके साथ ये वर्ड्स बोलूंगी, आपको मेरे पीछे पीछे क्या करना है, रिपीट करना है, एंड राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम, और करेक्ट कॉलम में लिखना है, अब कैसे लिखना है, वन हैज बीन डन फॉर यू, अब आपने क्या किया, जो जी है, जी साउंड एज इन गैट, अब गैट में जी का साउंड क्या आ रहा है, ग, क्या आ रहा है, ग से आ रहा है, गैट, यहां देखो जी साउंड एज जम, जी साउंड एज, यहां जो जी का साउंड आ रहा है वो आ रहा है ज से, किससे आ रहा है, ज से, सो अब जहां पे भी ग से साउंड आ रहा है वो वर्ड्स हमको यहां लिखने हैं, और जिसमें भी ज से साउंड आ रहा है वो वर्ड्स हमको
यहां लिखना है. सो लेट्स रीड. फर्स्ट वर्ड है अपना बैग. क्या है? बैग. अब यहां पे घ आ रहा है तो ये यहाँ देखो यहाँ पे इसने लिख दिया बैग. बिगेन. यहाँ जो जी का साउंड आया वो किससे आया? ग से आया. तो वो वर्ड भी हम यहां लिखेंगे बिगेन. नेक्स्ट गेम्स. गेम्स ग. सो वो भी हम यहां लिखेंगे. गार्डन ग. सो गार्डन. नेक्स्ट जिनी. जिन. सो ज से आया. ये देखो ये जिन. जेंटली. ये भी ज से. सो जेंटली. नेक्स्ट जेंट. सो ये भी यहां आएगा जेंट. नेक्स्ट जिंजर. तो जिंजर. जिराफ. ज. जिराफ. गिव ग. गिव. ग्रेट ग. ग्रेट. जिप्सी ज. पेज ज. फ्रॉग ग. सो हियर वी लर्न दैट द साउंड ऑफ जी इज ऑफ ए सिगज ग एंड ऑफ समवेयर ज. सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर? We learn about the honesty. Honesty के बारे में पढ़ा हमने. ईमानदारिता के बारे में पढ़ा. हमें हमेशा क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. And we read many spellings. हमने बहुत सारी spellings पढ़ा और हमने adverb के बारे में सीखा. हमने G के sound के बारे में सीखा जो ग से भी हो सकता है और ज से भी हो सकता है. So read the chapter and fill the worksheet with help of this video. Thank you.